BSN 6 सेमेस्टर बायोस्टेटिस्टिक्स यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है काई स्क्वेयर टेस्ट। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है, काइंड्स ऑफ डेटा दैट कॉल फॉर काई स्क्वेयर टेस्ट, बड़े जरूरी पॉइंट है कि काई स्क्वेयर टेस्ट आप किस तरह के डेटा पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस आप पहले एक बार पढ़ चुके हैं गालिबन, चैप्टर नंबर 5 जो था, यूनिट 5, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। रोल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी कंसेप्ट आप पहले यूनिट्स में पढ़ चुके हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पे भी अप्लाई होगा। फाइंड द क्रिटिकल रीजन, जैसे आप जानते हैं कि एक डेटा होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, एक क्रिटिकल रीजन है, रिजेक्शन रीजन है, ये चीज़ें पहले आपको यूनिट्स में बताई गई हैं। अभी हम उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करेंगे काई स्क्वेयर टेस्ट में। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको ये पता हो कि काई स्क्वेयर टेस्ट आप कब अप्लाई करते हैं। इससे पहले जो आपने यूनिट देखा था वहाँ पे आपने कोरिलेशन का एक कंसेप्ट पढ़ा, कोरिलेशन, और कोरिलेशन के कंसेप्ट में हमने ये बात वाजे तौर पर कही थी कि कोरिलेशन का कंसेप्ट होता है क्वांटिटेटिव डाटा के लिए। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास डाटा होता है जिसमें कंटिन्यूस वेरिएबल्स आते हैं, जिसमें अक्सर आपने देखा है स्कोर्स आते हैं, स्कोर्स हैं, टेस्ट के मार्क्स हैं, या आपके पास वेट है, हाइट है, एज है, ये सारी चीज़ें क्या थी। अगर आप ये देखें, ये सारा क्वांटिटेटिव डाटा था, यानी अब तक हमने अक्सर चीज़ों को देखा है क्वांटिटेटिव डाटा के नज़रिए से, क्वांटिटेटिव डाटा। और पिछले यूनिट में ही हमने बात की क्वांटिटेटिव डाटा के लिए आपने जो टेस्ट यूज़ किया वो कोरिलेशन टेस्ट था, कोरिलेशन। ठीक है, कहते हैं कि नॉट ऑल द रिसर्च क्वेश्चंस इन्वॉल्व स्कोर डाटा। अब ऐसा तो नहीं है कि हर रिसर्च में आपको हमेशा क्वांटिटेटिव डाटा मिलेगा, हो सकता है कुछ ऐसे रिसर्च क्वेश्चंस हों, कुछ ऐसा डाटा हो जहां क्वांटिटेटिव की बजाय क्वालिटेटिव डाटा मिल जाए। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी प्रॉब्लम में क्वालिटेटिव डाटा आ गया, क्वालिटेटिव, तो आप क्या करेंगे। अगर आपको अब तक नहीं पता क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो आप यूनिट नंबर 1 को एक बार फिर से देखिए, आपको समझ आएगा क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा का फ़र्क। देखिए, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए कोरिलेशन टेस्ट होता है, ये हम बात कर चुके हैं, सादा सी बात है। क्वालिटेटिव डाटा अगर आ गया तो आप काई स्क्वेयर टेस्ट करेंगे, इतनी ही सिंपल सी बात। क्वालिटेटिव डाटा के लिए काई स्क्वेयर टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, बस ये सादा सी बात मैं कह रहा हूँ। व्हाट इज अ काई स्क्वेयर टेस्ट, थोड़ा सा इसको बयान करें। फर्ज कीजिए द डाटा वी एनालाइज कंसिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। आपके पास कोई डाटा है इस तरह ग्रुप्स की फॉर्म में अवेलेबल है, ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, तो आप तो पता है फ्रीक्वेंसी टेबल, आपने पिछले यूनिट्स में गालिबन यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी टेबल्स की बात की थी, ग्रुप्स की बात की, कि डाटा कभी कभी आपको ग्रुप्स की फॉर्म में मिलता है और उस ग्रुप्स की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई डाटा आ गया जो नॉमिनल स्केल का है, नॉमिनल या कैटेगोरिकल है, यानी क्वालिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव में दोनों चीज़ें आती हैं, नॉमिनल ऑर्डिनल। ठीक है, अगर आपके पास कोई डाटा है क्वालिटेटिव, चाहे वो नॉमिनल हो चाहे वो ऑर्डिनल हो, तो आप क्या परफॉर्म करेंगे, काई स्क्वेयर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। आपके पास जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसमें इस तरह फ्रीक्वेंसी टेबल्स होते हैं, तो जो आपके पास काई स्क्वेयर है इसको हम कहते हैं पियर्सन काई स्क्वेयर टेस्ट। ठीक है, इसमें आप ये देखते हो कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं, ग्रुप ए की फ्रीक्वेंसी और ग्रुप बी की फ्रीक्वेंसी, क्या ये दो फ्रीक्वेंसीज डिफरेंस रखती हैं या डिफरेंस नहीं रखती। सादा सी बात है, ग्रुप ए अलग है, ग्रुप बी अलग है, ग्रुप ए का अलग से डाटा है, ग्रुप बी का अलग से डाटा है, ग्रुप ए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल अलग, सेपरेट, ग्रुप बी बिल्कुल इंडिपेंडेंट, अलग से है, सेपरेट है, ग्रुप ए की अपनी फ्रीक्वेंसीज होंगी, ग्रुप बी की अपनी फ्रीक्वेंसीज होंगी। बज़ाहिर आपको लगेगा कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों आपस में डिफरेंट हैं,
लेकिन स्टेटिस्टिकली आपको यह साबित करना पड़ेगा क्या वाकई में ये दोनों ग्रुप्स आपस में डिफरेंस रखते हैं, क्या वाकई में ग्रुप ए की फ्रीक्वेंसीज और ग्रुप बी की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं, तो ये आपको स्टेटिस्टिकली साबित करना पड़ेगा। और इस चीज़ को स्टेटिस्टिकली साबित करने के लिए टेस्ट करना पड़ेगा, और वो टेस्ट कौन सा होगा, काई स्क्वायर टेस्ट होगा। इन बातों को ज़रा समझिए, काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स दरकार हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। उसके बाद आपने हाइपोथेसिस बनानी है, ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी कि ग्रुप ए डिफरेंट है ग्रुप बी से या ग्रुप ए ग्रुप बी से डिफरेंट नहीं है। तो आपको याद होगा यूनिट नंबर 5 में कि एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस और एक होती है नल हाइपोथेसिस। तो जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस वाली है, टेस्ट करने के लिए आपको एक नल हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। उसके बाद हाइपोथेसिस के साथ एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लगाना पड़ता है, जैसे कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है 0.05, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो तो 0.01, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो तो 0.1, इस तरह से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है। फिर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, यानी आपने फार्मूला अप्लाई करना है, क्या मतलब, काई स्क्वायर का एक जो फार्मूला होगा, टेस्ट है ना तो काई स्क्वायर का एक फार्मूला होगा, वो अप्लाई करेंगे, बड़ा ही सादा सा फार्मूला है, अप्लाई करेंगे और आपके पास अप्लाई करके क्या आएगा, एक आंसर आएगा। अब आपने क्या करना है, देखिए आपके पास एक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वगैरह पे बेस करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी आपने पिछले बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। एंड देन आपके पास जो काई स्क्वायर आएगा कैलकुलेटेड, एक होगा कैलकुलेटेड काई स्क्वायर जो फार्मूले से आएगा, एक आपके पास टेबल होता है कंटिंजेंसी टेबल, मैं आपको ये आपको दिखाता हूँ, कंटिंजेंसी टेबल में देखना पड़ेगा कि टेबल वैल्यू क्या है, एक होगी टेबल वैल्यू, एक होगी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू। तो जाहिर सी बात है अगर तो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी है तो आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर लेंगे, और अगर आपके पास टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे, बस इतनी सी बात है। देखें काई स्क्वायर टेस्ट में हमने क्या किया, सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है, आपको पता चला आपके पास क्वालिटेटिव डाटा है तो आपने देखना है उस पर काई स्क्वायर अप्लाई होता है तो आपने टेस्ट अप्लाई करना है, हाइपोथेसिस बनाएंगे, सिग्निफिकेंस का लेवल या तो खुद सिलेक्ट करेंगे जो कि स्टैंडर्ड है 0.05, या आपको गिवन होगा कि क्या रखना है, फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फार्मूला अप्लाई किया तो आंसर आ गया, फिर उस आंसर को आपने चेक करना है टेबल में, टेबल में दो चीज़ें आती हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिग्निफिकेंस लेवल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिग्निफिकेंस लेवल के मुताबिक टेबल वाली वैल्यू देख लेंगे, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू आपस में डिफरेंट है तो देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, अगर टेबल वाली वैल्यू बड़ी है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे, इतनी सिंपल सी बात है। ये है वो कंटिंजेंसी टेबल, ठीक है, इसको हम काई स्क्वायर टेबल या कंटिंजेंसी टेबल कहते हैं, कंटिंजेंसी टेबल, ठीक है, इसमें सिर्फ दो चीज़ें देखनी है, ये देखें पहली चीज़ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है और यहाँ पे देखिए तो ये प्रोबेबिलिटी 0.5, 0.2, 0.1, 0.05 जो स्टैंडर्ड होता है, इस तरह 0.01, तो आपने ये सिग्निफिकेंस का लेवल देख लेना है। अब सबसे पहले स्टेप पे आते हैं, डिटरमाइन अप्रोप्रिएट टेस्ट, आपने सबसे पहले तो ये देखना है जो डेटा है क्या वो क्वालिटेटिव डेटा है, क्या उसके ऊपर आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर अप्लाई होता है या नहीं होता। तो देखें सबसे पहली शर्त क्या है, नॉमिनल स्केल, जितने भी वेरिएबल्स होंगे दोनों वेरिएबल्स क्वालिटेटिव होने चाहिए, नॉमिनल स्केल का मतलब क्वालिटेटिव वेरिएबल होने चाहिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों क्वालिटेटिव होने चाहिए, सबसे पहली बात। फिर इट कैन बी अप्लाइड ऑन इंटरवल और रेशियो डेटा दैट हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप डेटा के ऊपर अप्लाई होगा, आपके पास कोई डेटा है चाहे इंटरवल है चाहे रेशियो है ग्रुप्स की फॉर्म में होना चाहिए, ग्रुप्स की फॉर्म में क्यों, क्योंकि आपको उनकी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तीसरी बात,
ऑब्जर्वेशंस जो है वो रैंडम सैंपलिंग होती है, पॉपुलेशन में से ही आप एक सैंपल निकालते हैं, ठीक है। और चौथी बात, ये तमाम ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट होंगी, ग्रुप ए इंडिपेंडेंट होगा, ग्रुप बी इंडिपेंडेंट होगा। ऐसा नहीं है कि कोई डाटा ए में भी है और वही डाटा बी का भी है, ऐसा नहीं होगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई रिपीटिशन नहीं होगी, तमाम डाटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, आपके पास 0.05 एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, वो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल वाली बात। फिर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.1 है, और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो 0.01 आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। फिर है हाइपोथेसिस, देखें आपके पास तो दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, इसकी फ्रीक्वेंसीज अलग हैं, इसकी फ्रीक्वेंसीज अलग हैं, तो आपने एक हाइपोथेसिस डिवेलप करनी है, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपको सामने दिखाई देता है, जो आपके पास डाटा गिवन है, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है कि ये डाटा ए है, ये डाटा बी है, आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि ये डाटा से क्या साबित होता है। ऑब्जर्वेशन से क्या बनती है आपकी, आपकी एक हाइपोथेसिस बनती है, एक आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगी, और आप बता सकेंगे ये दो वेरिएबल्स ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या ये आपस में एसोसिएटेड है, क्या टू वेरिएबल्स एसोसिएटेड है, तो ये आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये टोटली डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट है, टू वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, बिल्कुल अल्टरनेट के ऑपोजिट। अगर अल्टरनेट कहता है टू वेरिएबल्स एसोसिएटेड है, तो नल क्या कहेगा, टू वेरिएबल एसोसिएटेड नहीं है। आप कहें टू वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं है, तो अल्टरनेट नल क्या कहेगा, टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट है, तो यानी बिल्कुल ऑपोजिट है। आपने टेस्ट किसको करना है, नल हाइपोथेसिस को करना है। नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, काई स्क्वायर का टेस्ट करेंगे। अब उसके बाद है कैलकुलेटिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए एक तो आपके पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं, ऑब्जर्वेशंस जो आपको डेटा गिवन है, और आपने टेस्ट किसके लिए करना है, नल हाइपोथेसिस के लिए करना है। तो नल हाइपोथेसिस के लिए आपको चाहिए होंगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अगर नल हाइपोथेसिस ने सही साबित होना है तो कुछ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होंगी जो आप कैलकुलेट करोगे। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी गिवन है, नल हाइपोथेसिस के लिए आप क्या करोगे, कुछ फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उनको कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके पास एक फार्मूला है, रोज कॉलम्स एंड ग्रॉस, ठीक है। सादा सी बात है, जो आपके पास रो, ये जो आपके पास होती है इस तरह, जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है वो रो होती है, कॉलम क्या होता है, टॉप टू बॉटम कॉलम होता है, और एंड पे आपने टोटल नंबर देखना है कि टोटल नंबर कितना है, तो इससे आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो आपके पास दो फ्रीक्वेंसीज आई, एक है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो जब दोनों फ्रीक्वेंसी आ जाए तो आपने सीधा सी बात है काई स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर देना है। काई स्क्वायर क्या है, सम करेंगे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, होल स्क्वायर लेंगे और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से उसको डिवाइड कर लेंगे। इतनी सादा सी बात है। देखें ये जो ओ है, ओ दैट इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जो ई है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और जो नीचे वाला है वो भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। पहले आपने सारा सम लेने लाए और उसके बाद इसको फार्मूले में अप्लाई कर देना है, तो आपके पास काई स्क्वायर आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ऐसी चीज है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आप क्यों अप्लाई करते हो, जब आप इसको चेक करोगे कंटिंजेंसी टेबल में, एक तो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, यानी ये आपके पास क्या आ जाएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर किसके साथ करना होगा, टेबल वैल्यू के साथ। तो टेबल वैल्यू के साथ कंपेरिजन में टेबल के अंदर दो चीजें आती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिग्निफिकेंस लेवल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे पता चलेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने रो में से वन माइनस कर लेंगे, कॉलम में से वन माइनस कर लेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। फिर आपने दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है, एक काई स्क्वायर होगा कैलकुलेटेड और एक काई स्क्वायर होगा टेबल, ठीक है, कैलकुलेटेड और टेबल। आपने ये देखना है कि अगर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर टेबल से ज्यादा है तो
तो रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, लेकिन अगर टेबल का स्क्वायर कैलकुलेटेड से ज्यादा है तो फिर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बात समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 180 प्रेग्नेंट वीमेन है, खवातीन है 180, खवातीन है, सैंपल साइज है 180 और वो खवातीन प्रेग्नेंट है। लेकिन आपने इन प्रेग्नेंट खवातीन में देखा है कि कुछ ऐसी खवातीन है जो स्मोकिंग करती हैं, स्मोकिंग, ठीक है, कुछ ऐसी खवातीन हैं जो शराब पीती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं, अब स्मोकिंग भी कर रही हैं, ड्रिंकिंग भी कर रही हैं, कुछ ऐसी खवातीन हैं जो दोनों काम करती हैं, स्मोकिंग भी करती हैं और ड्रिंकिंग भी करती हैं, और कुछ ऐसी भी खवातीन होंगी जो ना ही स्मोकिंग करेंगी और ना ही ड्रिंकिंग करती हैं। टोटल 180 है, 180 में छोटे छोटे मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स हैं। अब वो ग्रुप्स कैसे हैं, कुछ खवातीन हैं जो स्मोकिंग करती हैं जबकि कुछ खवातीन हैं जो स्मोकिंग नहीं करती, नॉन स्मोकर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ खवातीन हैं जो अल्कोहल शराब नोशी करती हैं और कुछ ऐसी खवातीन हैं जो अल्कोहल यानी शराब नोशी नहीं करती। तो आपने इन खवातीन को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है। याद रहे मैंने शुरुआत में कह दिया कि क्वालिटेटिव डाटा होगा लेकिन उसको ग्रुप्स में होना चाहिए। अब स्मोकिंग एक क्वालिटी है, कोई स्मोकिंग करेगा कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, यानी स्मोकिंग है या स्मोकिंग नहीं है, इसमें क्वांटिटी नहीं देखनी कि एक सिगरेट पीना या 10 सिगरेट पीना, एक सिगरेट भी स्मोकिंग है 10 सिगरेट भी स्मोकिंग है, तो इसमें क्वांटिटी नहीं देखनी, इसमें क्वालिटी देखनी है। स्मोकिंग कर रहा है तो बस कर रहा है, क्वालिटी है, स्मोकिंग नहीं कर रहा तो मतलब क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव डाटा है। सो आपके पास एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस होना चाहिए। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये कहता है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एसोसिएटेड है, डिपेंडेंट है। जो खवातीन सिगरेट पीती हैं वो सिगरेट पीना उनका अल्कोहल पीने से रिलेट करता है, यानी कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आपस में डिपेंड करती हैं। अगर कोई स्मोकिंग कर रही है तो मतलब वो ड्रिंकिंग भी करती होगी, ठीक है। ये आपकी एक सोच है, ये आपकी एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस इसके ऑपोजिट होगी। नल हाइपोथेसिस कहता है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इंडिपेंडेंट है, यानी अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो लाजमी नहीं है कि वो ड्रिंकिंग भी करे, या कोई ड्रिंकिंग कर रहा है तो लाजमी नहीं है कि वो स्मोकिंग भी करे, तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंडिपेंडेंट है। ये आपकी नल हाइपोथेसिस है। अब आपने टेस्ट करना है इसको। तो ये वो टेबल है, आप देखें, स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स, अल्कोहल कंजम्पशन यस एंड नो। अब आपने ये देखना है कि वो खवातीन जो स्मोकिंग भी करती हैं और शराब नोशी भी करती हैं, दोनों काम करती हैं, वो 20 हैं, ठीक है। इसी तरह वो खवातीन जो स्मोकिंग करती हैं लेकिन शराब नोशी नहीं करती, वो क्या है, 60। अब आ जाए नॉन स्मोकर्स, वो खवातीन जो स्मोकिंग नहीं करती वो 40 हैं लेकिन साथ में शराब पीती हैं, और वो खवातीन जो ना ही शराब पीती हैं ना ही स्मोकिंग करती हैं वो हैं 60। तो इस तरह से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आपके पास पहला जो सेल है, सेल ए, इसमें क्या है, स्मोकर्स एंड यस अल्कोहल टू, तो यानी कि स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों करने वाली 20 हैं जबकि सिर्फ स्मोकिंग करने वाली 60 हैं। तो आपके पास टोटल यहाँ पे हो गई 80, यानी तमाम वो खवातीन जो स्मोकिंग करती हैं वो 80 हैं, उसमें से 20 हैं जो आपके पास शराब भी पीती हैं और 60 हैं जो शराब नहीं पीती हैं। अब आ जाए नॉन स्मोकर्स, वो खवातीन जो स्मोकिंग नहीं करती, ठीक है, जो स्मोकिंग नहीं करती हैं वो 40 हैं, ठीक हो गया। लेकिन वो खवातीन जो आपके पास स्मोकिंग नहीं करती लेकिन साथ में शराब पीती हैं तो वो 40 हैं। दूसरी चीज़, नॉन स्मोकर्स खवातीन में वो कौन सी हैं जो शराब नहीं पीती हैं, तो वो 100 हैं। तो यानी कि आपके पास टोटल कितनी खवातीन थी, 180 खवातीन। 180 खवातीन में से 80 खवातीन वो हैं जो स्मोकिंग करती हैं, 180 में से 80 वो हैं जो क्या करती हैं, स्मोकिंग करती हैं, लेकिन स्मोकिंग के साथ साथ 20 इसमें से शराब भी पीती हैं, 60 शराब नहीं पीती। अच्छा, 100 वो खवातीन हैं, 100
जो स्मोकिंग नहीं करती, लेकिन उनमें से 40 ऐसी हैं जो शराब भी साथ पीती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक टेबल बन जाता है। अब आपके पास एक तो ये आपके पास टेबल आ गया जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, टोटल 180 है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इस तरह सेल्स में, सेल ए, सेल बी, सेल सी और सेल डी। ये जो आपके पास बीच में दिखाई दे रहा है ना, ये आपके पास डाटा गिवन है, 180 खवातीन का डाटा गिवन है। और ये जो बीच में 20, 60, 40 और 60, ये क्या है? ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं। क्या है? ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं। ये वो फ्रीक्वेंसीज है जो आपको डाटा गिवन है। अब आ जाए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अगर फर्ज कीजिए आपने नल हाइपोथेसिस के लिए देखना होगा तो आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था? कॉलम टोटल मल्टीप्लाई बाय रो टोटल डिवाइडेड बाय ग्रॉस टोटल। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था, अभी हमने पिछली स्लाइडों में देखा है। कॉलम टोटल का मतलब क्या? ये देखो, मैंने कहा था कॉलम क्या होता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। अगर मैं बात करूं सेल ए की, सेल ए ये वाला, तो इसके कॉलम का टोटल कितना है? वो है 60। तो आप सेल ए के लिए लिख लीजिए कॉलम में क्या है, 60। सेल ए की रो देखें तो उसका टोटल क्या है, 80। 60 मल्टीप्लाई बाय 80 और ग्रॉस टोटल ये 180 है। तो अगर आप इसको 180 पे डिवाइड कर लेंगे ना, 60 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 180, इसका आंसर आएगा 26.66। आप आ जाए बी पर। ये जो बी है, सेल बी, ये बी है आपके पास। इस बी में अगर आप देखें कॉलम टोटल, कॉलम क्या है, टॉप टू बॉटम, इसका कॉलम का टोटल है 120। तो आपने क्या कर लेना है, 120 मल्टीप्लाई करेंगे इस बी की जो रो है, ये देखें ये रो है, रो रो में क्या है, 80। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 80 टोटल कितना है ग्रॉस, 180। इसको कैलकुलेट कीजिए, आपके पास आंसर आएगा 53.33। फिर आ जाए सेल सी पे, सी ये वाला। इसके लिए देखें कॉलम का टोटल कितना है, सेल सी का कॉलम का टोटल है 60। तो सी के लिए टोटल क्या हो गया, 60। मल्टीप्लाई कीजिए इस सेल सी का रो 100, तो इस तरह यहाँ लिखेंगे 100, डिवाइड करेंगे 180 पे, ये ग्रॉस 180। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 33.33। और इसी तरह सेल डी के देख लें, सेल डी, सेल डी ये वाला है। सेल डी में देखिए आपके पास कॉलम, कॉलम में क्या है, 120, ठीक है। डी के लिए देख लें 120, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आपके पास डी का जो रो है 100, 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 180, तो इसका आंसर क्या आएगा, 66.67। तो इस तरह से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ जाएंगी। ये सारी क्या हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज जो आपके पास डेटा गिवन था, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो आपने इस फार्मूला से कैलकुलेट की हैं, तो वो भी आ गई हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है। तो अब आप काई स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। काई स्क्वायर का फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी लिखिए, ए बी सी डी। ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, 20, तो आपने लिख दी। बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 60, वो लिख दी। सी की फ्रीक्वेंसी है 40, डी की फ्रीक्वेंसी 60, ये जो आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है वो लिख दी। फिर आपके पास है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये आपने अभी कैलकुलेट की। ए में से एक्सपेक्टेड है 26, बी की एक्सपेक्टेड 53, सी वाली 33 और डी वाली 66। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों आ गई। ऑब्जर्व्ड से एक्सपेक्टेड माइनस करें, इसमें से ये वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दें, इस तमाम में से ये तमाम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये -6.67, यहाँ पे 6.6, ये आपके पास सारे आंसर आ गए। इसका आप स्क्वेयर ले लें, ये देखें आपने इन तमाम वैल्यूज का स्क्वेयर लिया तो ये आपके पास आंसर आ गए। और फिर क्या करना है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो आपने स्क्वेयर लिया उसको डिवाइड कर लेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो ये आपके पास क्या आ गया, डिवाइड करके ये आंसर्स आ गए हैं। इन तमाम को अगर आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पर
डिवाइड कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी 44 को अगर आप डिवाइड कर लेंगे 26 पे, 44 को डिवाइड कर लेंगे 53, 44.49 को डिवाइड कर लेंगे इस पे, 44 को डिवाइड कर लेंगे इस पे, तो आपके पास ये आंसर आएंगे। आखिर में आपने इन तमाम का क्या लेना है, सम ले लेना है, यानी सम कर लेना है, तो सम आएगा 4.5। तो इस तरह से जो आपके पास फार्मूला है काई स्क्वायर का, सम ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई, उसका आंसर आ गया 4.5। दैट मींस ये आपके पास काई स्क्वायर का जो फार्मूला था, इसका आंसर काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.5। तो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर आपके पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है, टेबल आई काई स्क्वायर फाइंड करना है। टेबल के अंदर कंटिंजेंसी टेबल में काई स्क्वायर की वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो कंटिंजेंसी टेबल के लिए क्या चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला, कॉलम माइनस वन मल्टीप्लाई बाय रो माइनस वन। तो अगर आप ये देखें कॉलम्स कितने थे और रो कितना था, आप खुद देख लीजिए अपना कॉलम्स और रोज। तो आप ये देखें कॉलम कितने हैं, कॉलम एक कॉलम ये है इस तरह से देखिए, और दूसरा कॉलम ये है, दो कॉलम्स हैं। रोज कितने हैं, ये देखिए ये एक रो है और ये दूसरा रो है, तो कॉलम्स भी दो हैं, रोज भी टू हैं। तो अब आप यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे, कॉलम भी कितने हैं, दो, और रोज भी क्या है, दो। तो आप इस तरह से देखिए टू माइनस वन, माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम के फार्मूले में मल्टीप्लाई बाय टू माइनस वन, ठीक है। ये टू क्या है कॉलम, ये टू क्या है रो। तो अगर आप देख लें ये भी वन है और ये भी वन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वन आ गया, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वन, और जो आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.05 है। अगर आप कंटिंजेंसी टेबल देखें उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम वन हो और 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल हो तो काई स्क्वायर की वैल्यू 3.84 आएगी, यानी टेबल के अंदर जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो 3.84 है, जबकि कैलकुलेटेड काई स्क्वायर है 4.5। तो हम पहले ही बात कर चुके थे कैलकुलेटेड काई स्क्वायर अगर टेबल के काई स्क्वायर से बड़ा हो तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे। और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस सही साबित हुई है कि अल्कोहल शराब नोशी करना और सिगरेट स्मोकिंग करना दोनों में रिलेशनशिप है, दोनों डिपेंड आपस में करते हैं। ये देख लीजिए कंटिंजेंसी टेबल, डिग्री ऑफ फ्रीडम था वन और वन को आपने देखना है, सिग्निफिकेंस लेवल 0.05, तो ये देख लीजिए 3.84। आती है एग्जाम्पल नंबर टू पे। ये अभी आपने जो एग्जाम्पल देखी बड़ी ही सादा सी एग्जाम्पल थी, एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको जरा अच्छा कंसेप्ट बन जाए। कहते हैं कि एक आपके पास एक रिसर्चर है, ठीक है, वो वोटिंग देखना चाहता है, लोगों की वोटिंग प्रेफरेंस देखना चाहता है गन कंट्रोल इश्यूज पे, जो पिस्तौल वगैरह है उसका कंट्रोल हो, उसके हवाले से कोई ना कोई इश्यूज हैं। तो एक रिसर्चर देखना चाहता है कि लोग किस तरह से गन कंट्रोल को फेवर करते हैं, क्या वोटिंग प्रेफरेंस है लोगों का, वो गन कंट्रोल के बारे में प्रेफरेंस देते हैं या नहीं देते, इस तरह की एक रिसर्च है। तो क्या हो जाता है, उसने एक क्वेश्चनेयर डेवलप करवाया, टोटल 90 वोटर्स हैं, यानी सैंपल साइज है 90, ठीक है। दो पार्टियों से लोग उसने लिए, दो पार्टियों से, पार्टी ए और पार्टी बी, ठीक है, दोनों को मिला के टोटल कितने 90 वोटर्स हैं। उसने 90 वोटर्स के रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करवा दिया, ठीक है। जब उसने ये रिकॉर्ड करवा दिया तो ये देखा कि जो पार्टी ए है, पार्टी ए वो कहती है गन कंट्रोल में 10 लोगों ने वोट दिया फेवर में, यानी 10 लोग कहते हैं पार्टी ए के कि गन कंट्रोल इश्यूज में वो फेवर देते हैं, जबकि 30 लोग वो हैं जिन्होंने गन कंट्रोल के खिलाफ वोट दिया है, ठीक है। 10 लोग पार्टी ए वाले कहते हैं गन कंट्रोल के फेवर में हैं, जबकि 30 लोग गन कंट्रोल के फेवर में नहीं हैं, और 10 ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, उन्होंने वोट दिया ही नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, ठीक है। टोटल देखा जाए तो 50 आते हैं, यानी रो के अंदर 50 लोग हैं। पार्टी बी देखी गई, पार्टी बी में से 15 लोग पार्टी बी के गन कंट्रोल के फेवर में हैं, जबकि 10 लोग गन कंट्रोल के फेवर में नहीं हैं पार्टी बी वाले। तो टोटल लोग, अच्छा 15 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उन्होंने कोई वोट दिया ही नहीं, तो टोटल कर लें तो ये आ जाता है 40। अब
बज़ाहिर आपको क्या दिखाई दे रहा है? दो पार्टियां हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। पार्टी बी में से 15 लोग गन कंट्रोल के फेवर में हैं, सिर्फ 10 ने खिलाफ वोट दिया है, जबकि पार्टी ए में से सिर्फ 10 लोग फेवर में हैं और 30 लोगों ने गन कंट्रोल के खिलाफ वोट दिया है। तो बज़ाहिर आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जो गन कंट्रोल के फेवर में है? तो बज़ाहिर स्टेटिस्टिक से आपको तो यही लग रहा है कि देखें, पार्टी बी के 15 लोग गन कंट्रोल को फेवर करते हैं, सिर्फ 10 लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया। तो यानी पार्टी बी गन कंट्रोल के फेवर में ज़्यादा है, बज़ाहिर आपको लग रहा यही है, लेकिन बज़ाहिर से काम नहीं चलता, आपने इसको टेस्ट करना होगा। ठीक है, आपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करना होगा, तब ही कोई फैसला हो पाएगा। तो आपने काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करना होगा। अब आप सबसे पहले काई स्क्वायर के लिए देखिए, आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज चाहिए। ये जो दिखाई दे रही है आपको सामने वाली, ये तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये सारी फ्रीक्वेंसीज ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं। इसके बरअक्स आपको क्या चाहिए होगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, अगर आप देखें ऐसे ऐड करते जाएं तो ये क्या है, रोज हैं, रो, ये 50 की रो, ये 40 की रो, और ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे देखा जाए तो ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम्स हैं। अब आपने क्या करना है, डिटरमाइन अप्रोप्रिएट टेस्ट। सबसे पहले पार्टी देखें, पार्टियां कितनी हैं, दो हैं, दो पार्टियां हो गई। ठीक है, वोटिंग प्रेफरेंस, तीन लेवल्स हैं वोटिंग प्रेफरेंस के, या तो लोग फेवर में हैं, लेवल ये एक है, या तो लोग अपोज कर रहे हैं, ये दूसरा लेवल है, या फिर लोग न्यूट्रल हैं, ये तीसरा लेवल है। यानी आपने उसको भी कैटेगराइज करवा दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि फेवर वाले अलग ग्रुप, अपोज वाले अलग ग्रुप, न्यूट्रल वालों का अलग से ग्रुप। अब सिग्निफिकेंस लेवल आपकी मर्जी है, चाहे 0.5 सिग्निफिकेंस देखना चाहे, 0.1 सिग्निफिकेंस देखना चाहे, आपकी मर्जी। अब आपने हाइपोथेसिस बनानी है, सबसे मेजर स्टेज है हाइपोथेसिस बनाना। बजाहिर आपने क्या देखा कि ग्रुप बी वाले क्या कर रहे थे, ग्रुप बी वाले गन कंट्रोल के ज्यादा फेवर में थे। कहते हैं आपके जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन रिस्पॉन्सिस टू गन कंट्रोल सर्वे एंड पार्टी मेंबरशिप इन द पॉपुलेशन। ठीक है, कि जो पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो जो गन कंट्रोल का रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनके बिटवीन कोई ना कोई एसोसिएशन है। ठीक है, जबकि आपके पास नल हाइपोथेसिस इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी। नल हाइपोथेसिस यही कहती कि नहीं, पार्टी ए और पार्टी बी दोनों का ओपिनियन बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बज़ाहिर आपने देखा है पार्टी बी ज़्यादा ओपिनियन रखती है गन कंट्रोल की, लिहाजा नल हाइपोथेसिस में क्या करेंगे, देयर इज नो डिफरेंस, कि पार्टी ए और पार्टी बी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी को आपने अब टेस्ट करना है। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आपने वही लिखी जो आपके पास गिवन डाटा में थी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है, वो आपने अभी पिछले एग्जांपल में भी देखा है, खुद से याद कीजिए, कॉलम का टोटल मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो रोज के अंदर टोटल है। ठीक है, कॉलम का टोटल और रो का टोटल डिवाइड किस पे करेंगे, जो ग्रॉस टोटल है। ठीक है, अब देखें ये जो आपके पास ए ग्रुप है, ग्रुप ए, इसके कॉलम में क्या है 25 और इसके रो में क्या है 50। तो ग्रुप ए के लिए क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से और टोटल 90 है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 13.89। इसी तरह बी के लिए देख लीजिए, बी, ये जो आपके पास बी है, आप इसके लिए देखें, इसके जो कॉलम है, कॉलम में क्या है 25, इसके रो में क्या है 50, तो सिमिलरली इसका भी यही आंसर आ जाएगा। फिर सी पे आ जाएं, ये देखिए इसके कॉलम में क्या है 40 और इसके रो में क्या है 50, तो सी के लिए क्या होगा 40 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 90, तो इसका आंसर आपके पास 22.22 आ जाएगा। तो इस तरह इन तमाम के लिए, ए बी सी डी ई एफ जी तमाम के लिए आपने क्या करना है, ये आपने अप्लाई कर देना है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपके पास इसी फार्मूले से आ जाती हैं। अब आपके पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आपने एफ तक लिखी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज सब की कैलकुलेट की और लिख ली।
उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से माइनस कर लेना है। इस डाटा में से ये वाला डाटा माइनस करेंगे तो आपके पास तमाम की वैल्यूज आ जाएंगे। फिर आपने स्क्वेयर ले लेना है, तमाम का स्क्वेयर आ जाएगा। फिर हर एक को अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर लेंगे। जैसे 15.113 है तो इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 13 वाली थी, डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह जैसे ये 15.13 है, इसकी एक्सपेक्टेड ये थी, इसको डिवाइड कर लेंगे। फिर जैसे ये है, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये थी, तो इससे डिवाइड कर लेंगे। तमाम फ्रीक्वेंसीज को आपस में डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। इन सब को ऐड कर लेंगे तो वो समेशन आ जाएगा। तो सम कहता है 11.02। तो काई स्क्वायर क्या कहता है, काई स्क्वायर जो कैलकुलेटेड है 11.02 कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है। अब आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, रो माइनस वन और कॉलम माइनस वन। तो खुद देख लीजिए आपके पास रोज कितनी है। आपके पास जो टेबल है रो, ये आपके पास एक रो है, ये आपके पास दूसरी रो है। तो रो आपके पास सिर्फ दो हैं, लेकिन कॉलम कितने हैं, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो कॉलम आपके पास तीन है, लिहाजा आप क्या करेंगे, आपके पास रो कितनी है, दो, तो टू माइनस वन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम तीन थे तो थ्री माइनस वन करेंगे, तो वन मल्टीप्लाई बाय टू, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टू। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम टू है, कंटिंजेंसी टेबल में ये टू है। टू को अगर आप सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 में देखना चाहें तो आपके पास आता है 5.99। तो ये आपके पास कैलकुलेट जो आपके पास कंटिंजेंसी टेबल है, काई स्क्वायर इन कंटिंजेंसी टेबल कितना है, 5.99, और कैलकुलेटेड कितना था 11। तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए, जो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू टेबल की है वो 5.99 है, जबकि जो कैलकुलेटेड है 11 है। तो जाहिर सी बात है कैलकुलेटेड इससे बड़ी है, लिहाजा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है और साफ जाहिर होता है कि पार्टी ए और पार्टी बी डिफरेंट ओपिनियन रखती हैं गन कंट्रोल पे। सो SPSS एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर जब हम ये वैल्यूज अप्लाई करते हैं तो SPSS भी आपको इस तरह से वैल्यू दे देता है। ये आपके पास एक छोटा सा होमवर्क है, आप खुद इसको ट्राई कीजिए, अगर आपसे होता है तो ठीक है, वरना मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो यहाँ तक आपके पास यूनिट नंबर 14 बायोस्टैटिस्टिक्स 6 सेमेस्टर का कंप्लीट हो गया है।